तो भाई आप सामने देख सकते हो हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर भाई कितने सारे पोकेमोन्स आ चुके हैं। भाई मुझे सारे पोकेमोन्स को कलेक्ट करना है, तो भाई आज का अपना मिशन होने वाला है सारे पोकेमोन्स को कलेक्ट करना। अगर भाई मुझे सारे पोकेमोन्स को कलेक्ट करना तो भाई मुझे इसके लिए चाहिए होगी पोकेमोन्स बॉल, और भाई पोकेमोन्स बॉल लाने के लिए मुझे चाहिए होंगे पैसे। भाई पैसे पास कैश तो नहीं पड़े हुए, पर भाई मेरे बैंक में काफ़ी ज़्यादा ही पैसे पड़े हुए, और जो पोकेमोन्स की बॉल की दुकान है वो मेरे घर के पास में खुली हुई लिटरली गराज के नीचे। तो भाई मुझे वहाँ जाके सबसे पहले पोकेमोन्स की बॉल लेनी पड़ेगी। पर उन सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दो, इससे मेरी हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो भाई चलते हैं अभी बैंक पे और बैंक से निकाल के लाते भाई पैसे, क्योंकि भाई पैसे नहीं होंगे तो भाई मुझे पोकेमोन्स की बॉल भी नहीं मिलेगी। तो भाई वो चलते फटाफट बैंक और भाई देखते मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े, उस हिसाब से भाई मैं पैसे निकालूंगा। क्योंकि भाई एक पिकाचू बॉल यानी एक पोकेमोन बॉल लिटरली 10,000 रुपये की है, तो 5 पोकेमोन बॉल मुझे मिलेगी 50,000 रुपये की। तो चलते हैं बैंक से पैसे निकाल के। तो भाई मैंने बैंक से पूरे के पूरे 50,000 रुपये निकाल दिए, जिससे भाई मुझे 5 पोकेमोन्स की बॉल मिलेगी। और भाई चलते हैं फटाफट उस दुकान पर जहाँ पर मुझे पोकेमोन्स की बॉल देखने को मिलने वाली है। तो भाई वो जस्ट हमारे घर के पास में जो कि दुकान पोकेमोन्स की बॉल अपन को देगी, वो जस्ट दुकान हमारे घर के पास में खुलेगी। भाई उसने टूर्नामेंट रखा है कौन सबसे पहले सबसे ज़्यादा पिकाचू कलेक्ट करेगा। भाई मुझे टूर्नामेंट जीतना है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल है 1 करोड़ रुपये, यानी कि इसका टूर्नामेंट का प्राइस है 1 करोड़ रुपये। भाई देखते कौन जीतेगा वो प्राइस पूल, आपका भाई जीतेगा भाई प्राइस पूल। तो भाई ये दुकान हमारे घर के पास में लिटरली आप सामने देख सकते हो ब्लू शटर वाली है, यही हमारी दुकान है जो कि भाई खुली यहाँ पे पिकाचू को कलेक्ट करने की, मतलब पिकाचू यानी पोकेमोन्स की। तो भाई देख सकते हो आप लिखा हुआ नो स्मोकिंग, क्यों अभी कोई भी स्मोकिंग करेगा तो भाई बॉल्स को खतरा होगा, इसलिए भाई चलते हैं अपन लेके आते हैं अपनी पोकेमोन्स बॉल। तो भाई मैंने पोकेमोन्स की बॉल ले ली लिटरली भाई पूरे 50,000 ही लिए उस बंदे ने। तो भाई देखते हैं अपनी फर्स्ट पिकाचू ये वाला है। ओके ये भाई पेट्रोल पंप के ऊपर बैठा हुआ है ना, तो भाई पेट्रोल पंप के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो भाई मुझे जाना पड़ेगा भाई पेट्रोल पंप, और भाई पेट्रोल पंप के ऊपर ही क्या कर रहा था भाई, लिटरली अगर से थोड़ा करंट वरंट मार देना भाई पूरा पेट्रोल पंप खत्म हो जाएगा, साथ में ये भी जाएगा भाई, इसके साथ भी स्कैम हो जाएगा। तो चलते हैं अभी पेट्रोल पंप, और भाई अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराना भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार। तो फटाफट तुम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना हमारे लिए, तो फटाफट सब्सक्राइब करो भाई। पर ही पेट्रोल पंप पे कर क्या रहा है भाई, इस बनते ने इसको पेट्रोल पंप पे क्यों छोड़ा है पता नहीं भाई, वो तो उसकी मर्जी। पर भाई मुझे 1 करोड़ लेके ही जाने, क्योंकि भाई 1 करोड़ का प्राइस पूल भाई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और भाई ये मेरा पुराना घर, मैं इसको बेच रहा हूँ, किसको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसको बेच रहा हूँ मैं 80,000 रुपये में, क्योंकि भाई ज़मीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती है। और भाई ये आ चुकी है अपनी पेट्रोल पंप, सॉरी आ चुका अपना पेट्रोल पंप। और भाई इसके ऊपर चलते भाई, इसके ऊपर जाने के लिए एक निंजा टेक्निक है, तो भाई इसके ऊपर चलते फटाफट और अपने पिकाचू को भी कलेक्ट करते हैं, ऐसा जंप मारना है और अपन ऊपर आ जाएंगे। प्लीज़ भाई पोकेमोन आ जाए यार, प्लीज़ कलेक्ट हो जाए भाई, प्लीज़ यार प्लीज़। ओ भाई फाइनली मैंने एक पोकेमोन कलेक्ट कर लिया, पर भाई मैं नीचे कैसे जाऊंगा यार। चलो भाई कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा भाई, लिटरली टांग टूट गई मेरी भाई, सह लेंगे थोड़ा सा भाई, लिटरली एक पोकेमोन मिल रहा। तो भाई चलते हैं अपनी नेक्स्ट फोटो क्या होने वाली, मतलब नेक्स्ट अपना पोकेमोन कहाँ पे होने वाला है, तो फटाफट फोन निकाल के देखते हैं। ओ भाई ये बीच पे, और भाई ये बीच पे तो पेड़ है। ओ भाई मतलब ये बीच हमारे शहर से दूर है थोड़ा यार, मतलब भाई मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा यार भाई साहब, मतलब ये तो भाई बहुत दूर है हमारे सिटी से, लिटरली हमारी सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। फिर भी भाई चलते हैं, मुझे 1 करोड़ का प्राइस पूल चाहिए, तो भाई चाहिए मतलब कुछ भी हो जाए भाई, मुझे 1 करोड़ चाहिए मतलब चाहिए। तो फटाफट चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे मुझे ये पिकाचू मिलने वाला है। और भाई पिकाचू भाई मुँह से बाहर पिकाचू निकलता है, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट पेट पिकाचू है। आपको कौन सा पोकेमोन अच्छा लगता है मुझे कमेंट जरूर बताना। और भाई चलते चलते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, और भाई अभी तक नहीं आया वो बीच, भाई पता नहीं वो बीच कहाँ पे यार। लिटरली मैं चलते चलते मुझे गर्मी लगने लगी, और गर्मी से भाई डिहाइड्रेशन भी हो सकता है मुझे यार। तो भाई मुझे अभी रेलवे की पटरी देखने को मिल चुकी है, मतलब भाई वो बीच पास में है। हाँ भाई वो बीच तो बिल्कुल पास में है, और भाई मुझे अभी गाड़ी यहीं पे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर उस पोकेमोन को पता चल गया तो भाई लिटरली मेरी शामत आ जाएगी, क्योंकि भाई वो पोकेमोन भाग जाएगा, फिर मुझे पोकेमोन नहीं मिलेगा। तो भाई चलते हैं फटाफट अपन पैदल पैदल चलते हैं, ऐसे कि पोकेमोन को पता ना चले। भाई ये अपना दूसरा पोकेमोन है, ये भी कलेक्ट हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, प्लीज़ हो जाए यार। तो भाई फाइनली मैंने 2 पोकेमोन कलेक्ट कर लिए, अब अपन चलते हैं भाई देखते हैं अपना तीसरा पोकेमोन कहाँ होने वाला है। तो भाई अपना तीसरा पोकेमोन तो भाई एक कार शोरूम लग रहा है मुझे लगता है अपना, हाँ भाई अपना कार शोरूम है, और भाई ये वहीं पे खड़ा है। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा दूर है यार, लिटरली बीच उसके अपोजिट साइड में, वो बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो भाई चलते हैं फटाफट अपन कार शोरूम, और भाई देखते हैं कि भाई कितना दूर है। भाई लिटरली बहुत ज़्यादा दूर है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला जगह पहुँचने के लिए, क्योंकि भाई बिल्कुल ये बीच अपोजिट साइड में, कार शोरूम बिल्कुल अपोजिट साइड में, लिटरली भाई देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। और भाई देखते हैं कितनी देर में मैं इसको कवर करता हूँ। तो भाई आपको वीडियो मज़ा आ ही रहा है ना, तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है, आपको वीडियो मज़ा आ रहा। तो भाई घूमते घूमते मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई भाई, लिटरली ये जंगल भी आ गया है, फिर भी भाई वो अपना क्या नाम है, कार शोरूम आने का नाम ही नहीं ले रहा है।
मतलब भाई लिटरली मुझे भागते भागते मतलब गाड़ी में चलते चलते 5 मिनट हो गए और अभी भी मुझे नहीं मिल रहा भाई। मतलब मैं खो तो नहीं गया सिटी में यार भाई, मुझे प्लीज़ 5 के 5 पोकेमोन कलेक्ट करने भाई, सो दूसरा कोई कलेक्ट ना करे भाई, वरना 1 करोड़ का प्राइज पूल मैं नहीं जीत पाऊँगा। तो भाई मैं फाइनली कार शोरूम के पास पहुंच चुका हूं और भाई मुझे पोकेमोन यहीं मिलने वाला है। तो भाई फटाफट अपन गाड़ी को यही पार्क करते हैं, भाई पोकेमोन को पता नहीं चलना चाहिए, तो गाड़ी अपन यही पार्क करते हैं और फटाफट लेके आते हैं अपने नए पोकेमोन को। भाई अपना तीसरा पोकेमोन अगर ये कलेक्ट हो गया तो भाई मेरा 1 करोड़ का विनिंग प्राइस कंप्लीट हो जाएगा। ओ भाई फाइनली मैंने 1 करोड़ का विनिंग प्राइस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि भाई मुझे सबसे ज़्यादा ढूंढना था पोकेमोन को, और ये वाला पोकेमोन तो भाई किसी अपने रैंप के ऊपर है और रैंप पास में ही है वाला रैंप। तो मैं मतलब मैं 1 करोड़ का प्राइस और जीत चुका हूँ, क्योंकि भाई 3 अपन को मतलब सबसे ज़्यादा कलेक्ट करने थे और मैंने 3 पोकेमोन को कलेक्ट कर लिया है। तो भाई अभी कोई 2 भी कोई कलेक्ट करता है तो भाई लिटरली जीतूंगा तो मैं, क्योंकि भाई मैंने 3 कलेक्ट कर लिए। फिर भाई मुझे 5 के 5 कलेक्ट करने, क्योंकि भाई मुझे मेरा कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ऑन टॉप करना है, क्योंकि भाई मेन वाला जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि मेन वाला पोकेमोन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो भाई वो सबसे ज़्यादा लास्ट में आएगा। और भाई रैंप वो मेरे सामने है भाई, मुझे उसके ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इसके ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, और भाई मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने इसके लिए अपनी जान भी गंवाई, क्योंकि अला भाई ये अला जो पोकेमोन है ना वो भी खतरनाक है। जो लास्ट वाला वो तो बिल्कुल खतरनाक में टॉप में आता है, पर भाई ये वाला पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई आराम आराम से अपन ऊपर चलते हैं भाई, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगने वाली इसको ऊपर चढ़ने में। तो फटाफट अपन चलते हैं ऊपर। फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ, पर भाई मुझे यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखने को मिल रहे हैं। मतलब भाई यहाँ पे कोई बहुत सारे लोग आए थे, कोई कोई तो भाई यहाँ पे मर भी गया लिटरली, भाई मुझे कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने भाई पोकेमोन को कलेक्ट करने की कोशिश की थी, और भाई लिटरली मुझे लगता है मर चुके हैं। भाई 3 हेलीकॉप्टर आए थे, 3 जन आए थे कलेक्ट करने। तो भाई पिन चलते फटाफट, भाई पोकेमोन वही खड़ा है। अब मुझे फ्रंट पीक लेके यहाँ से फटाफट जाना पड़ेगा, चलते उसको कलेक्ट करने के लिए यार फटाफट। भाई ये मेरा सेकंड लास्ट पोकेमोन है, ये भी कलेक्ट हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा, हो जा प्लीज़। ओ भाई साहब ये पोकेमोन मैंने कलेक्ट कर लिया, अब मुझे बस 1 पोकेमोन कलेक्ट करना है, जो कि देखते हैं भाई कहाँ पे। ओ भाई साहब ये तो किसी बिल्डिंग के ऊपर है, और भाई मुझे यहाँ पे जाने के लिए लिटरली भाई हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, और भाई हेलीकॉप्टर अपने पास में ही है, यानी कि भाई सीधा निकलते हैं अपन उस पोकेमोन को कलेक्ट करने के लिए। मतलब भाई वो जो पोकेमोन है ना सबसे ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन है, ये तो लास्ट वाला है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन है भाई। मेन चीज़ अगर ये कलेक्ट हो गया तो भाई अपना कलेक्शन ऑन टॉप होगा। तो भाई इसको फटाफट हेलीकॉप्टर लेकर चलते उस जगह पर जहाँ पर मुझे वो पोकेमोन मिलने वाला है। और भाई ये क्या हो गया यार, लिटरली भाई तो भिड़ चुके हैं आपस में, मुझे इसको छोड़ाना पड़ेगा फटाफट। ओके तो ये छूट चुका है, तो अपन चलते फटाफट से अपने लास्ट वाले पोकेमोन को कलेक्ट करने के लिए। भाई मैं लोकेशन पर आ चुका हूँ जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा और लास्ट वाला पोकेमोन मिलने वाला है, तो चलते हैं इसको फटाफट अपन कलेक्ट करते हैं। ये लास्ट पोकेमोन बचा है, बस ये लास्ट वाला पोकेमोन मेरे हाथ लग जाए भाई मजा आ जाएगा, प्लीज आ जा। ओ भाई मैंने 5 के 5 पोकेमोन कलेक्ट कर लिए, अभी अपन चलते हैं घर पे और उस पोकेमोन को यूज करके देखते हैं कि भाई पोकेमोन अपनी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। अभी अपन चलते फटाफट घर पे, क्योंकि भाई मैंने सारे पोकेमोन को कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा पैसे भी उड़ाए और काफी ज्यादा मेहनत भी की है, तो भाई मेहनत का फल तो मुझे मिलना ही चाहिए ना यार। तो चलते फटाफट अपन घर पे और देखते हैं भाई कैसे अपने पोकेमोन यूज करते हैं उसको, और अपने सिटी पर अपन कैसे राज करते हैं। तो चलते फटाफट घर पे, पर भाई अपना घर तो काफी ज्यादा छोटा है, पर मैं उसको कैसे स्पॉन करूंगा। तो मैं घर पे आ गया हूँ भाई, सही में मेरा घर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैं उसको कैसे स्पॉन करूंगा। तो भाई देखते कोई चारा निकालते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। तो अपन चलते हैं नीचे सबसे पहले। ओ भाई मुझे आइडिया, क्योंकि मैं घर के बाहर तो स्पॉन कर सकता हूँ ना यार। तो चलते हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और अपने घर के बाहर अपने न्यू पोकेमोन्स को स्पॉन कराते हैं। भाई मैंने सारे के सारे पोकेमोन यहाँ पे स्पॉन करा दिए, और भाई कितने ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं और सारे के सारे, और जो बीच वाले को देखो भाई लिटरली कितने ज़्यादा खतरनाक है। भाई इनको कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है भाई, और भाई ये सारे पोकेमोन्स मेरी बात मानने भी लगे, पर भाई इनको मुझे थोड़ा और ट्रेन करना पड़ेगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।